कैसे हैं बेटा आप सब। आज हम अपने चैप्टर नंबर 8 एनर्जी साइंस के चैप्टर 8 एनर्जी में टॉपिक पढ़ेंगे नॉन रीन्यूएबल एंड रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ओपन योर साइंस बुक्स पेज नंबर 83 एंड 84। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था एनर्जी के बारे में कि एनर्जी हम कहते हैं किसी भी काम करने की सलाहियत को, कोई भी काम करने के लिए जो हमें सलाहियत मिलती है या हमें जो काम करने के लिए जो फोर्स मिलती है जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं उसको एनर्जी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने एनर्जी की टाइप्स पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे कि एनर्जी जो है वो किन तरह की होती है। एक जो है वो है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। आम अल्फाज में ये वो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं जिनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, जिसमें एक कॉमन जो है वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स हम कहते हैं कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि बहुत सालों पहले डेड हो गए, उनकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज हुई और उससे उनकी बॉडी जो है वो बन गए, फॉसिल फ्यूल्स बन गए जिनसे हम एनर्जी हासिल करते हैं। उनकी बॉडी में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड थी, जब वो डेड हो गए तो बॉडी डिकम्पोज हुई आस्ते आस्ते, तो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गई और अब हम जब उनकी उनसे एनर्जी हासिल करते हैं तो हमें वो केमिकल एनर्जी मिलती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन इसमें जो एग्जांपल ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स के हैं वो हैं कॉल, कोयला, ऑयल और नेचुरल गैस वगैरह। ये तो फ़ायदे हैं फॉसिल फ्यूल्स के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान है फॉसिल फ्यूल्स का, इन फ्यूल्स को यूज़ करने का, वो ये है कि एक तो इनको यूज़ करने से हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और दूसरा ये कि अगर हम इनको यूज़ करते जाएंगे तो ये दोबारा नहीं बन सकते। अभी एक एस्टिमेट आइडिया है कि तकरीबन नेक्स्ट 200 ईयर्स में ये नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी, तो ये उनके नुकसानदेह बातें हैं। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड द एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ इनका क्या ताल्लुक है। जब हम फॉर एग्जांपल कोयले को बर्न करते हैं, उससे एनर्जी हासिल करते हैं, तो साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। जब वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है तो वो एक लेयर बना लेती है जिसमें ये होता है कि सन की एनर्जी ज़मीन पे आती है लेकिन वो वापस नहीं जा सकती, एक इंसुलेटिंग लेयर बन जाती है जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो ट्रैप हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे अर्थ का वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो सूरज की रोशनी है वो ट्रैप हो गई है और वापस वो नहीं जा सकती। ये आपके पिक्चर में भी उन्होंने यही बताया है कि ये एक अर्थ है, उसके इर्द गिर्द लेयर बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, सूरज की रोशनी आ तो रही है लेकिन उसके लिए वापस जाना नामुमकिन है इंसुलेटिंग लेयर की वजह से। ये एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। नाउ हम देखते हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन सी हैं। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की वजह से एक तो ये क्लीनर हैं, ये साफ़ सुथरी हैं, और दूसरा ये कि इनकी वजह से ना कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ना एसिड रेन होती है। और इनको इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये है कि हमें कोई ख़तरा नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएंगी। और जिस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं जब हमें प्रॉपर एक कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल हो और हमें जब रिक्वायरमेंट हो तो हम इन सोर्सेज को एज ए एनर्जी यूज़ कर सकते हैं और हमें कोई ख़तरा नहीं कि ये ख़त्म हो जाएंगी। इनकी एग्जांपल्स हैं सोलर एनर्जी, मतलब कि सूरज की रोशनी, विंड एनर्जी जो हवा के चलने से हमें एनर्जी मिलती है, टाइडल एंड वेव एनर्जी समुंदर की लहरों की एनर्जी जो है उसको कहते हैं टाइडल एंड वेव एनर्जी। फिर जो डैम्स में हमने वाटर स्टोर किया है उसकी एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी मतलब के हॉट रॉक्स की जो एनर्जी है, गर्म चट्टानें जो हैं उनकी एनर्जी, और बायोमास एंड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल्स, इन सब की एनर्जी जो है ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं और ये क्लीनर हैं, इनसे कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है इनके, और इनका ये भी हमें रिस्क नहीं है कि अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी। इन ये थी हमारा रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिफरेंस। आप इसको पढ़ें और अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो पूछ लें। थैंक यू।